अस्सलाम वालेकुम बहन और भाइयों, क्या हाल है जी? आप सब ठीक है जी? आज की वीडियो को करते हैं जी आवाज। आज मैं निकल रहा हूँ जनाब टोरंटो से जैक्सल की तरफ। मैं आपको पता है कि पिछला तकरीबन 10 दिन घर ही था, क्योंकि काम की जो नोयत थी ना बहुत डेड किस्म पर जा रहा था, काम नहीं था। आपको पता है आजकल कनाडा के अंदर रिसेशन चल रहा है, और जिसकी वजह से जॉब मार्केट के ऊपर बड़ा इफेक्ट हुआ है, काम भी स्लो हो गया। ठीक है जी, तो आज लोड मिला है खुदा खुदा करके। तो अभी जो है ना मेरा ये तकरीबन 5.5 दिन का ट्रिप है, तो इंशाल्लाह एवरी डे मैं ब्लॉग बनाऊंगा जनाब। तो अभी मैं इधर आया था यार्ड के अंदर, ट्रेलर मैंने वो कर लिया, आपको दिखाता हूँ। तो ये ट्रक मैंने वो कर लिया जनाब ट्रेलर के साथ, ये ट्रेलर है मेरे साथ। तो यहाँ से ट्रिप शुरू करने से पहले ट्रक की करनी पड़ती है इंस्पेक्शन, इसके बाद ट्रेलर की करनी पड़ती है डिटेल से। ठीक है जी, तो ये ट्रेलर है मेरे पास, ये फुल ऑफ ऑटो पार्ट्स हैं इसके अंदर। तो उस इंस्पेक्शन वाले मैंने इसकी कर ली थी अभी आधा घंटा पहले। अभी मैं जाऊँगा अंदर जनाब, और बॉर्डर क्रॉसिंग के पेपर लेके आने हैं। चलो ट्रक को बंद कर दूँ, अंदर जाता हूँ, पेपर वर्क लेता हूँ। ट्रक मैंने पार कर दिया साइड पे, वेट भी इसका बड़ा लाइट सा है, हल्का फुल्का लोड है, उड़ता हुआ जाएगा। तो ये यार्ड है जनाब कंपनी का, सब देखें ट्रेलर खड़े हुए हैं, ये अपने पंजाबियों की कंपनी है जनाब। और जो भाई चैनल बने हैं कल चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। इस तरह का पेपर होता है जनाब, ये देखें ACE इलेक्ट्रॉनिक मैनिफेस्ट होता है। इस तरह के जब यहाँ से US की तरफ लोड जो जाता है कस्टमर की तरफ, तो जो डिस्पैच होता है वो लोड के पेपर वर्क, बिल ऑफ लेडिंग जिसको कहते हैं वो, और साथ जो शिपमेंट की वैल्यू होती है वो साथ लगा के तो बॉर्डर के पास भेज देते हैं। तो बॉर्डर वाले क्या करते हैं जी, आपको ई मैनिफेस्ट बना देते हैं, इसके बगैर आप बॉर्डर क्रॉसिंग कर सकते हैं। चलिए जी, अब ड्राइविंग करते हैं आवाज इंशाल्लाह। बॉर्डर जो है हमारे क्रॉस करना है वो है डिट्रॉइट मिशिगन का, मिशिगन स्टेट आती है ओंटारियो के वेस्ट में, विंडसर के साथ जो वाइट ट्रक चलाते हैं उनको पता होगा जी। तो सीन कुछ इस तरह के, अभी लोड के पेपर मैंने ले लिए हैं, पूरा एनवेलप होता है जिसके अंदर शिपमेंट की डिटेल होती है, ये कितनी शिपमेंट है। आज जो शिपमेंट लेके जा रहा हूँ ना, ये सारे ऑटो पार्ट्स हैं, बड़ा लाइट सा लोड है, इतना हैवी नहीं है ये। और अभी मैंने रास्ते में रुकना है लंदन ओंटारियो, वहाँ से मैंने ट्रक के अंदर डालना है फ्यूल डाल के जनाब लंदन जो ओंटारियो तकरीबन के 1.5-2 घंटे की ड्राइव है, उससे आगे फर्दर आप समझ लें 2.5-2 घंटे की ड्राइव है बॉर्डर की। तो मैं निकला हूँ जनाब की 15 मिनट हुए, तो अभी हो रहे हैं जनाब 7:30, 8:30, 9:30, 10:30, 11:30 समझ लें 11:30 बजे बॉर्डर पर होंगे इंशाल्लाह। तो बॉर्डर क्रॉस करके आज मैंने कोई 3-1 घंटे और ड्राइव करनी है, फिर मैं सो जाऊंगा, क्योंकि रात सारी ड्राइव करने का फायदा नहीं है, क्योंकि ये जो ट्रेलर है मैंने लरेडो में जाके ड्रॉप करना है और वहाँ से बुक करना है, ये डिलीवरी मेरा नहीं है, कस्टमर के पास ही जा रहा है। इनके केक वालों का अपना जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ, केक उसका नाम है GIGG केक, अपनी पंजाबी कंपनी है। तो ये सूर्य जनाब अभी जो है 401 पे चढ़ चुका हूँ, अभी मैं मोबाइल हाथ में नहीं पकड़ सकता क्योंकि इन्होंने सालमन ने लगाया हुआ कैमरा, अगर मैं मोबाइल पकड़ूंगा हाथ में तो ये शोर करना बीप करना शुरू कर लेगा, तो बीप करते तो आवाज़ आती है डिस्ट्रैक्शन के, मतलब है कि ड्राइविंग के दौरान डिस्ट्रैक्शन हो रही है, मतलब है कि सीधा फोकस करें ड्राइव पर, ये बस ये मुफ्त का स्यापा मुफ्त की चट्टी डाली है हमारे सर पर इन्होंने। तो मैंने जिसका मैं फ्रंट का ट्रक था उसको मैंने कहा कि यार कि कैमरा निकालो, लेकिन बस वो इधर से सुनता है और उधर से निकाल देते हैं। चलिए जी, जुड़े रहिए साथ, बड़े मजे के ब्लॉग आने वाले हैं इंशाल्लाह।
मदरसे में फ्यूल डालने के लिए। यहाँ पे जो सारा फ्यूल कॉर्ड है वो 100 पॉइंट्स मिलते हैं इसके, ठीक है जी। ये देखें अभी 209 लीटर डाल चुके हैं, 382 डालेगा। और ये होता है जनाब DEF, क्योंकि इन ट्रकों के अंदर वो जो सिस्टम लगे ना डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड का DEF सिस्टम लगा होता है, इससे ये होता है कि स्मोक नहीं मारते ट्रक। ये जो है ना ये लिक्विड डालते हैं ना इसके अंदर तो वो बंद करता है, ये डीजल का ये। तो डीजल की प्राइस देखें जनाब $1.79। तो टैंक देखिए कितने बड़े हैं इसके, ये मेरे ख्याल है कि डालेगा इसके अंदर भी 8-100 डालर का दोनों साइड पे। उस साइड में मैंने डाल दिया फ्यूल, अब ये मैं फिल कर रहा हूँ, ये देखें जरा। तो उस साइड पे डला है ड्राइवर साइड पे तकरीबन भी 500 डालेगा, यहाँ पे डालेगा भी अब समझ 400 डालेगा, 350-400 डालेगा। तो दोनों जो टैंक है लेफ्ट और राइट ड्राइवर साइड और पैसेंजर साइड, इनके अंदर तकरीबन 800-1100 डॉलर का भरने होता है। तो ये मुझे ले जाएगा जनाब डैलस टेक्सास तक ले जाएगा, लेकिन रस्ते में मैं एक और जगह वहाँ से फिल अप करूँगा क्योंकि मैं चांस ही नहीं होता। अभी ये भी लगता है कि भर चुका, क्योंकि मैं जब वहाँ से निकला था तो वहाँ से जो है ना 1.25 था। ये जितना भी डीजल वगैरह होता है ये सब कंपनी के जमे होता है, इसमें हमारा DEF दखल नहीं होता। हमें मिलता है फ्यूल कार्ड, उस फ्यूल कार्ड के अंदर नाम ड्राइवर आईडी होती है और पासवर्ड वगैरह होता है, वो जब हम एंटर करते हैं हमें जो है ना फ्यूल की ऑथराइजेशन मिल जाती है। वो जितना भी डालना होता है हम डाल लेते हैं। अभी बॉर्डर यहाँ से तकरीबन है कि 2.25 घंटे का, 2.25-2.25 किलोमीटर। मैंने कहा रस्ते में रोके मैं डीजल डालूँ, इस जगह का नाम है लंडन ओंटारियो, ये टोरंटो से तकरीबन 2 घंटे दूर आता है। क्या हो गया भाई, ये भी लगता है भारी है, भारी है जी भारी है। सारा मैंने फिल कर लिया दोनों साइड, अब इसको करते हैं इसका लिड बंद। जाते हैं दूसरी तरफ, उसको बंद करते हैं, रसीद लेते हैं और काफ़ी पकड़ के जनाब पे चलते हैं अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। इसके अंदर डाला जनाब $781 का और 434 लीटर। अभी जाता हूँ अंदर, अंदर से मैं इसको चेक करूँ डोर लॉक ही है, अंदर से आके रसीद लेनी है, के बाद भाई आपका जाएगा अपने डेस्टिनेशन की तरफ। ये सारा ट्रक स्टॉप है जी, फ्लाइंग ये इसका नाम है, देखें जरा। सीट मैंने ले लिया, मैंने कहा चले अभी थोड़ी सी कॉफ़ी ले लेते हैं, यहाँ से देखता हूँ कौन सी कॉफ़ी इनके पास। कौन सा साइज है यार, मीडियम मीडियम ले लेता हूँ। कौन सी लगी जनाब, ये फ्रेंच वनीला हेजलनट मोका इंग्लिश टॉफी अल्ट्रा विप हॉट चॉकलेट, ये तो नहीं चाहिए मुझे, चाहिए थोड़ी ब्लैक कॉफ़ी, यहाँ से ले लेता हूँ, ले लेता हूँ 100% कोलंबियन। बड़ी गर्म है यार, आधे से ज़्यादा मैंने कप भर लिए और इसके अंदर डालेंगे जनाब रेगुलर मिल्क ही नहीं इनके पास। ये डाले तुम्हारी स्क्रीन, इनके पास रेगुलर मिल्क नहीं है, कहीं और देखना पड़ेगा किस जगह पे। काफ़ी ले रही है जी मैंने फ्लाइंग ये किए, इनके अंदर इनके पास वो रेगुलर मिल्क नहीं था तो मैंने वो डाल दिया आयरिश क्रीम, उससे बहुत मीठा हो गया।
अब पता नहीं इसका टेस्ट कैसा आता है, अभी तो बहुत हॉट है ये, बहुत गर्म है। अभी ट्रक में जाके थोड़ी देर रखता हूँ, ठंडी होगी तो उसके बाद फिर ट्राई मारता हूँ, अगर पीने का काबिल ही तो पियूंगा, नहीं तो डन 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 फॉरक। तो जनाब रात के हो गए जी 3:15, तो मैं अपनी डेस्टिनेशन पे आ चुका हूँ। अभी यहाँ पे इंशाल्लाह 10 घंटे की स्लीप करनी है, स्लीप मस्ट होती है क्योंकि यूएस का लॉ ये है कि आप 11 आवर ड्राइव कर सकते हैं और कंटिन्यूस और 10 घंटे स्लीप कर सकते हैं। मैं रुका था इधर इंडियाना स्टेट के अंदर। तो चलें जी आज की वीडियो करते हैं क्लोज, उम्मीद है आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम।